अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम कबीर खान है और मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी रिगार्डिंग वफाकी मोहतसब, और उसमें कुछ स्ट्रीट लाइट के इशू के हवाले से मैंने कंप्लेंट लॉन्च के हवाले से बात की थी, और उसमें जो है वो पानी के मसाइल के बारे में बात की थी। तो उस हवाले से एक भाई थे, एक शॉर्ट क्विक नोट मैं लूँगा कि एक भाई ने उसमें सवाल किया था और मैंने सोचा कि इस सवाल को जो है आप लोगों से शेयर करूं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। वो ये था कि जी अगर हम वफाकी मोहतसब में कंप्लेन कर देते हैं तो जी क्या होगा, हमारा क्या केस लड़ा जाएगा, क्या हमें बुलाया जाएगा, और हम पता नहीं, हम तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में, हम तो नहीं पढ़ना चाहते। एक आम शहरी जैसे कि उसकी सोच होती है, एक हाउस वाइफ की जैसे सोच होती है। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप उसमें कंप्लेन करते हैं तो ये एक कोर्ट की तरह एक इदारा होता है जिसके अंदर में 23 एजेंसीज हैं। पहले थी जो मैंने पढ़ी थी, बहुत सत्तर शायद ज़्यादा हो गई हूँ। गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब गवर्नमेंट के इदारे, जैसे ओगरा है, पेट्रोलियम है, सुई गैस है, नॉर्दर्न गैस है, इलेक्ट्रिक का कोई इदारा है, या बहुत सारे इदारे हैं गवर्नमेंट के जो काम करते हैं, जैसे CDA है या कराची में KMC है। तो जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के मातहत जो आते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन एक कंज्यूमर के तहत वो इदारा लेता है जो कि वफाकी मोहतसब कहलाता है, और वो बाउंड है 60 दिन के अंदर आपका फैसला सुनाने का। इसमें 80% जो फैसले होते हैं एज पर द रिकॉर्ड, वो कंज्यूमर के, एक आम सिटीजन के फेवर में होते हैं क्योंकि उन्हीं के लिए बनाया गया है। और इसमें कोई फीस नहीं होती, कोई वकील नहीं चाहिए होता है इसमें, ठीक है? और ये आप सारा काम एक ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं जिसका नाम है वफाकी मोहतसब, जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, उनकी तरफ से दी गई है एक आम सिटीज़न के लिए। इसमें कोई थर्ड पार्टी काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के इदारे डायरेक्ट आपसे जो है ना बात करते हैं, आपको बुलाया जाता है। और हियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि जी सालों की जी कोर्ट चलेगा। अगर हियरिंग में आपको बुलाया भी जा रहा है तो मेरे भाई मेरी बहन, आपका मसला है आपके घर में मीटर गलत लग गया है, मीटर गलत चार्ज हो रहा है, चाहे वो गैस का है बिजली का, उसके लिए आप कितनी दफ़ा के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में गए, आप कितनी दफ़ा गैस के दफ्तर में गए, ख्वार हुए ना, तो एक दफ़ा उनकी बुलाई भी हियरिंग पर चले जाएँ। वो भी अगर वो समझते हैं, बुलाना ज़रूरी समझते हैं तो बुलाते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं बुलाते वो, तो वो बुलाएंगे तो एक दफ़ा तो आप चले जाएँ, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। आपके घर पे कब्जा हुआ हुआ है, व्हाट्स एवर जो भी आपका जेन्युइन मैटर है गवर्नमेंट के दारों में, वो मसला सॉल्व हो सकता है। तो एक क्विक नोट था, मैंने सोचा मैं जल्दी से आप लोगों को बता दूं। तो प्लीज़ 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 आप गूगल भी कर लिया करें, पढ़ें। आप माशाल्लाह से पढ़े, मतलब लोग आजकल, लोगों के पास मोबाइल है, गूगल है, उर्दू में भी पूछ सकते हैं अगर, या किसी और से भी कह सकते हैं कि भाई मुझे बता दो, तो वो उसमें से आपको डाल के बता देगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस हो। एक आम कंज्यूमर राइट्स बहुत बेनिफिट देता है, बस लोगों का एतबार उठ गया है, और जो कर सकते हैं वो कहते हैं हमें एतबार नहीं है। आप प्लीज़ कंप्लेन लॉन्च कीजिए, एक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि दे आर बाउंड, उनके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए जो उसको देख रहे होते हैं। अगर वो कोई गलत कमेंट करेंगे, कुछ करेंगे, तो उनसे सवाल होगा। तो इसलिए 80% से ज़्यादा जो है वो आपके फेवर में होता है। तो प्लीज़ उस पर जाइए, कंप्लेन लॉन्च कीजिए। अगर आपके साथ मसले हैं, तो आपके घर में कचरे का मसला है, कोई भी मसला है, आपके एरिया में लाइट्स का मसला है, आप प्लीज़ उस पर कंप्लेन कीजिए। सिर्फ एक कंप्लेन ही तो लॉन्च करनी है और इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व होगा। अल्लाह की से उम्मीद है, इमरान खान साहब से उम्मीद है कि उन्होंने इरादे बड़े इदारे जो है बड़े मजबूत कर दिए और सिस्टम ऐसा बना दिए कि दे आर बाउंड, एवरीबडी इज़ बाउंड टू रिस्पॉन्ड टू द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू जी, जजाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले।